हालेलुया। यकीनन खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी, उसका प्यार निराला और उसकी वफादारी हमेशा इंसान के साथ साथ रहती है। सो कलाम फरमाता है कि तुम हर एक बात में अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह खुदावंद में खुदा की यही मर्जी है। सो हमें चाहिए हम हर हाल में, हर बात में, हर काम में, हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें। सो आप सब लोग खुदा के जिंदा परवजीदा और पाक लोग हैं जो खुदा की हसूरी में हर सुबह अपने काम का आगाज यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसके कलाम से, उसकी इबादत से आगाज करते हैं। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो हम आज इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप देख रहे हैं ये चर्च जो कि खूबसूरत सजाया गया है, ये किस वजह से सजाया गया है पता है आपको? पता है? सो जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं, आज खुदा के असीम खादम, असीम खात्मा सीनियर पास्टर और फजल साहब, मेरी बहन सिस्टर निदा की शादी की 15वीं सालगिरह है। इस बात के लिए हम 100 तालियां बजाएंगे, 100 तालियां। हालेलुया। हम दुआ भी करेंगे कि खुदावन इस जोड़े को उम्र की दराजी, पीरी, सलामती, तंदुरुस्ती, सेहत अता करे, उनके बच्चों के लिए बेटे आयजक, एमा, एनी और रेनी के लिए भी दुआ करेंगे ताकि खुदावन उन बच्चों को भी अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। हम इस बात के लिए भी आज उन सब के लिए, उस खानदान के लिए जिसके वसीला से पूरी दुनिया में अंजील की मनाती होती है, उस जोड़े के लिए, उस खानदान के लिए हम आज बरकत चाहेंगे। सो आए जिनके पास खुदा का कलाम है, पाक कलाम को खोलिएगा मेरे साथ। हम अपनी मीटिंग का आगाज पाक कलाम से करेंगे। पहला थर्सनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 16वीं ऐसे कलाम में मुकद्दस में से तलावत करेंगे। हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। आमीन, आमीन। आए सब सर खुदा की पाक हजूरी में झुक जाएं और हम दुआ मांगेंगे। सब सर खुदा की पाक हजूरी में झुक जाएं। सुजमात में से जिस भी बहन, जिस भी भाई को खुदा का पाक रू गाइड करता है, दुआ में रहनुमाई करें। जमात में से जिस भी बहन या भाई को, हालेलुया, हालेलुया, पहले भी बूटा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thank you.
हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस। इसी तरह अपने सरों को झुकाए रखेंगे और हम दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, पाप खुदावंद, एक हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्र गुजारी करते, तेरी दी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, तेरे फसल, तेरे दाम के लिए हमारा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा हुआ है। जब तू अपने लोगों को जगह पर जगह से अपनी पाक हजूरी में इकट्ठा करता, जमा करता, ताकि तेरे लोग मिलकर रूह और सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तुति करें, ताकि तेरा तख्त लगे और तेरे तख्त लगने से लोग बरकत पाए, बहाली पाए, निजात पाए और तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए। और इसी तरह आज जबकि तेरे खादम, तेरी खादमा की शादी की बर्थडे है, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, मेरी बहन सिस्टर निदा के लिए हम तेरी बरकत, तेरे खुले आसमान को मांगते, ताकि तू अपने खात्मा को अपने जलाल के लिए और कसरत के साथ इस्तेमाल करो, और उनके बच्चों के लिए बेटे आयजक, एमा, एनी, रैनी के लिए तेरी बरकत चाहते, ताकि तू एक एक को चुन और बड़ी बरकत दे, ताकि तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए। और आज का प्रस्तुत करना तेरी पाक हजूरी में बखून की मानत कबूल ठहरे मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम प्रस्तुत करेंगे खुदा के अजीम खादम को, शुक्रगुजारी बहुत पसंद है और वो शुक्रगुजारी का सबूत शुक्र यहोवा का ही करो, शुक्र यहोवा का ही करो बहुत पसंद है। और हम आज मीटिंग प्रस्ते शुक्रगुजारी से करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सब अपने हाथों को इस्तेमाल किया Thank you.
पास्टर हारून साहब हैं, आप उनके साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। Oh,
अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। सब सर खुदा की पाक हजूरी में झुक जाएं और हम दुआ मांगेंगे। खुदा के खादम पास्टर आरफ गिल साहब के साथ मिलकर हम दुआ मांगेंगे। बाप यीशु मसीह के नाम में और यीशु मसीह के वसीला से आज सुबह हम सारे मिलकर तुझे मुबारक कहते हैं। तेरी अजमत को, तेरी हशमत को, तेरी बुजुर्गी को सलाम करते हैं। तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। कौमों और उम्मतों का रब है। तेरा बंदा दाऊद कहता है, पहाड़ों, टीलों, दरियाओं, समुद्र और समुद्र का पानी, तमाम आदि जानदार चीजें और हवा के परिंदे मिलकर आओ मेरे खुदा को मुबारक करो। बूढ़े बच्चे, जवान कुंवारियां, बल्कि दाऊद ने कहा, बर्फ, आग, ओले, तूफानी हवाएं मेरे खुदा की तमजीद करें, क्योंकि मेरा खुदा सारी दुनिया में मुमताज खुदा है। तो मेरे खुदा की मानिंद कोई नहीं है। आज सुबह हम तुझे मुबारक कहते हैं। तू जो हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारे छिपने की जा और हमारी जानों का लंगर है, हमारे आसमानी पिता, आसमानी अब्बा, तुझे जलाल देते हैं। तूने हमसे बल्कि सारे जहान से प्यार किया और अपना इकलौता बेटा हमारा मुनज्जी खुदा यीशु मसीह बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। रुकू दशा प्रस्तुत करने में, दुआएं मांगने में खुदा अपनी हजूरी के वसीला से हमें बरकत दे और उनको तो खुदा हमारी मदद कर। तेरा हाथ हमारी जिंदगी पर बड़ा रहे, शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आप सब ये देख रहे हैं कि आज इस चर्च को सजाया गया है और जिनको नहीं पता उन्हें बताते हैं कि ये चर्च इसलिए सजाया गया कि आज खुदा के असीम खादम, असीम खात्मा सीनियर पास्टर और फजल साहब, मेरी बहन सिस्टर निदा की 15वीं शादी की सालगिरह है। हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं और तालियों के साथ उनको मुबारकबाद कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुकलाम फरमाते हैं कि खुदा ने सबसे ज्यादा अजमत अपने पाक कलाम को दी है। सो हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाएंगे और अपने दोनों हाथों पर लहराकर आज की सोलह में खुदा के खादम, खुदा के कलाम को दावत देंगे। खुदा के खादम पास्टर नवीन साहब को आज की सोलह तालियों में सब तशरीफ रखें। तो बैठ जाए। हालेलुया। सोए हम खुदा के जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पढ़े। मसीह यीशु में आप सब बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों की सलामती और खुदावंद आप सबके साथ हो। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे सीनियर पास्टर अनुभव साहब की शादी की सालगिरह है, वेडिंग एनिवर्सरी है। तो जरूर हम बड़े खुश हैं कि खुदा ने अपने खादम की जिंदगी में एक अच्छा जीवन साथी दिया, वो अनिदा की सूरत में। स्वयं हम खुदा के कलाम में से इसी तल्लक से आज हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया,
और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उस जगह गोश्त भर दिया, और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए हम सब अपने सर को झुकाएं, हम दुआ करें। काबिल मुतलक खुदा, तेरी पाक हजूरी में आकर मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह और आज के दिन के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए। और खुदावन तू जो मुबारक और भला खुदा है, आज तूने हमें सिंधों की जमीन पर रखा और ये खूबसूरत दिन हमें दे दिया ताकि हम आए खुदावन खुदा तेरा शुक्र कर सके। सबसे बढ़कर आए खुदा मैं अपने सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए, बुआ निदा जी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जबकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। खुदावन तूने उन्हें पूरे 15 साल अज़दवाजी जिंदगी के बंधन में बांधे रखा, तूने उनकी हिफाजत की, निगेबानी की, अपनी पनाह में रखा। और तेरे लोगों ने तेरे जलाल के लिए कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया में तेरी अंजील की मनादी की और रूहों को जीता और बचाया। हमारी दुआ है जबकि आज उनकी 15 साल हो गए उनको शादी के बंधन में बंधे हुए, और खुदावन इस वेडिंग एनिवर्सरी में हम तेरे लोग होते हुए खुश हैं कि तूने हमें आशीर्वाद पास्टर अनुपम जैसा खादम दिया ताकि हम उनकी रहनुमाई में तेरी खिदमत के काम को आगे बढ़ा सकें, हम मिलकर तेरा काम कर सकें। आज हम सबको बरकत दे, जितने शादीशुदा जोड़े हैं, जितने ब्याह हुए हैं, आज उनकी जिंदगी में तेरा कलाम असर और तासीर करे और तेरे लोग तेरे कलाम से बरकत पाएं, मसीह यीशु के नाम में आमीन। अभी आपने खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से सुना कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और खुदा ने आदम की पसलियों में से एक पसली को निकाल लिया और उससे हवा को तैयार किया, उसकी बीवी तैयार की गई। याद रखें मियां बीवी जो है, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मियां बीवी इस बात का हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें कि बीवी जो है वो शौहर की, वो अपने शौहर की पसली से बनाई गई है, वो उसकी पसली से निकाली गई है और वो उसका जीवन साथी है, वो उसकी हड्डियों में से हड्डी है, वो उसके गोश्त में से गोश्त है। अब होता यह है कि बाज मर्द जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये मेरी पसली से नहीं बनी, ये तो मेरे पांव से बनी है। बाज मर्द अपनी औरतों की इज्जत नहीं करते, मर्द अपनी औरतों की बेइज्जती करते हैं और अपनी औरतों को हमेशा डाउन रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें लेट डाउन करते रहते हैं और उन्हें आगे बढ़ना देना ही नहीं चाहते। वो समझते हैं, और मैं समझता हूं कि शायद बहुत सारी कौमों में ऐसा समझा जाता है कि औरत पांव से बनी है और मैंने इसको हमेशा दबा के रखना है, इसको मैंने ऊपर उठने नहीं देना, ये मुझसे सर ना उठाए, ये मुझसे ज्यादा इज्जतदार ना हो जाए, ये मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत ना हो, ये मुझसे ज्यादा मालदार ना हो, ये दबी रहे और हमेशा मेरी नौकर गुलाम बनकर जिंदगी बसर करे। बहुत सारी कौमें ऐसी हैं
जो ये समझती है कि औरत एक पांव की जूती है, अगर पूरी आई फिट बैठी तो ठीक, अगर ना आई ना फिट बैठी तो इसे उतार कर फेंक दो और जाओ दूसरी ले आओ। उनके अंदर ये बात पाई जाती है। आप समझ गए हैं मेरी बात को, जो औरत मिजाज पर नहीं उतरती वो उन्हें तलाकनामा लिख कर उसके हाथ में पकड़ा देते हैं कि जाओ जी आप मेरी तरफ से फारग हो। और बात औरतें मर्द को आबाद औरतें ये समझती हैं कि मैं तो मर्द की पसली से नहीं बनी, मैं तो मर्द के सर से बनी हूं, और वो अपने मर्द के सर पर चली रहती है, हर वक्त अपने मर्द के सर पर चली रहती है। ज्यादा तालीम याफ्ता होने की वजह से, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने की वजह से, खूबसूरत होने की वजह से औरत मर्द पर चढ़ी रहती है हर वक्त। और शायद उसके दिल में यह ख्याल है कि मैं मर्द के सर से बनी हूं इसलिए मैं इसके सर पे चढ़ के रहूं। वो मर्द पर हुक्मरान बनती है, वो मर्द पर हुक्म चलाती है, और वो मर्द को अपना गुलाम और अपना मातहत होकर देखना चाहती है। ऐसा मुआशरे में देखा जाता है। मगर खुदा का कलाम क्या कहता है, इफ़सियों पांचवा बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, आए बीवियों तुम अपनी शौहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावन की। जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है, तुम्हारा शौहर जो है वो तुम्हारा सर है। उसकी इज्जत करना, उसका एहतराम करना, और उसके लिए जो वो कहे वो करना, वो औरतों पर वाजिब है। और मर्दों के लिए भी ये नहीं कि ये बहुत से बनाई गई, बल्कि ये है कि ये आपकी पसली से बनी है। और याद रखें मर्दों के लिए खुदा का कलाम पतरस अपने खत में कहता है कि मर्द जो हैं, ऐ शहरों अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों को नासूक जर्फ जानो। आपने अपनी बीवियों को नासूक जर्फ जानना है। आपने ऐसी चीज समझनी है बीवी को कि अगर ये मेरे हाथ से गिर गई तो ये टूट जाएगी। आपने समझना है कि मेरी बीवी का दिल इतना नाजुक है कि अगर मैंने कोई सख्त बात कर दी तो कहीं उसका दिल ना टूट जाए। और बहनों आपने भी यही अपने शौहरों के बारे में अपने दिल में ख्याल रखना है कि ये मेरा सर है, ये मेरा शौहर है। और याद रखिए टाइम बहुत कम था जिसकी वजह से मैं इसको ज्यादा बयान नहीं कर सका। आखिरी बात जो आपके सामने बयान करना चाहता हूं वो ये है कि ये मर्द की बाजू के नीचे से बनाई गई, ये बाजू है और ये पहलू के नीचे, ये बाजू के नीचे से ये मर्द की मुहाफजत में है। आप अपने शौहर की मुहाफजत में हैं। और याद रखे ये पसली जो है ये दिल के पास है, ये दिल के करीब है, और दिल के जो करीब होती है चीज वो बड़ी प्यारी होती है। जो दिल के करीब होती है वो बड़ी प्यारी होती है। तो खुदा ने जो मर्दों आपको औरतें दी हैं, जो शौहर आपको बीवियां दी हैं, वो खुदा ने दिल के पास से पसली लेकर बनाई है। आपने उससे मोहब्बत रखनी है, आपने उससे प्यार करना है। और दिल का स्टाइल बनाया जाता है ना, दिल बना के उसके अंदर तीर चलाया जाता है, क्यों? लव को पेश करता है वो, तो दिल जो है वो मोहब्बत को पेश कर रहा है। और याद रखे मोहब्बत करनी है बीवियों ने अपने शौहरों से, और शौहरों ने अपनी बीवियों से, और बीवी मर्द की मुहाफजत में है। आपने जहां कहीं जाना है अपने शौहर से इजाजत लेनी है। ये नहीं कि आप पार्लर में पहुंच के फोन कर रही हैं, मैं पार्लर आई थी तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, मैं तो पार्लर में बैठी हुई हूं। मैं अपने मेके आई थी तो मैंने सोचा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैं तो मेके आ गई हूं। आपने अपने शौहरों को बता के निकलना है कि मैं यहां जा रही हूं, मैं इस काम से जा रही हूं। आप अपनी शौहरों की मुहाफजत में हैं।
आप उनकी जिम्मेदारी हैं, आप उनकी इज्जत हैं, इसलिए आपने अपने शोहरों के साथ मोहब्बत रखनी है। और याद रखें, जिस तरह कलीसिया ने, जिस तरह कलीसिया मसीह की पसली से तैयार हुई, मसीह ने सलीब पर अपना बेशकीमती खून बहाया और लिखा है कि भाला उसकी पसली पर मारा गया और छेदा गया और खून बह निकला, वो लहू जो मसीह की पसली से बह निकला, उसने कलीसिया को तैयार किया। जो मसीह के खून पर ईमान लाता है, उसकी कफारा बख्श मौत पर ईमान लाता है, वो अपनी जिंदगी हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाता है, वो अपने गुनाहों से माफी पाता है और वो मसीह की दुल्हन बन जाता है। और मसीह की दुल्हन कैसे तैयार की गई? खून से, कीमत देकर खरीदी गई कलीसिया, और मसीह ने अपनी कलीसिया को अपने खून से खरीदा। याद रखें, हमारा दुल्हा मसीह है और दुल्हन अपने दुल्हा का इंतजार करती है। आपको पता है, जब शादी की रात होती है तो दुल्हन तैयार होकर बैठ जाती है, किसके लिए? अपने दुल्हा के लिए, और हार श्रृंगार करके बैठती है, क्योंकि उसे पता है कि आज रात उसका दुल्हा जो है उसके पास आएगा। हमें भी अपने मसीह दुल्हा के लिए हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। हमें नहीं पता कि किस वक्त हमारा दुल्हा आ जाए, इसलिए खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और मैं अपनी तरफ से और अपने खानदान की तरफ से सीनियर पास्टर फजल और सिस्टर निदा को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदावंद हम सबको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। जितनी बरकत मिली है उतनी ही जोरदार तालियां आज के खूबसूरत कलाम के लिए। सब वक्त है, जैसे कलाम फरमाता है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। हम क्वायर के साथ मिलकर हदीये नजराने के लिए गीत गाएंगे, बेदे नासून के साथ मिलकर। हालेलुया। और मेरी तरफ से पापा को मोहब्बत करना सलाम है। जैसा कि आप सबको पता है, सुंदर पक्षों को मुसलमान की शाशा साजिदा रहा, इसी तरह मैं उनके शाशा साजिदा के हवाले से गीत पेश करूँगा। आज तो 15 साल पहले खुशियां का रंग रोड़ है, एक ईमानदार का जोड़ा यीशु में खो जोड़ा।
सुनी के चुप गए। और हम आज के कलाम के लिए, हदीये के लिए दुआ मांगेंगे, सब साथ खुदा की पाक हजूरी में चुप जाए। पास्टर चांद के साथ मिलकर हम दुआ मांगेंगे। आए दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं और आज के सुख हमने तेरा कलाम सुना है। ऐ खुदावंद, हमें भी अज़्दवाज में और मजबूत कर ताकि तुझे जलाल दे सके। ऐ खुदावंद, तेरे नाम की प्रस्तुति करते हुए तेरी बारगाह में आते हैं। जितने कानों तक आवाज गई और जितने लाइव आईसी चैनल के वसीला से और खुदावंद फेसबुक के वसीला से, यूट्यूब के वसीला से देख रहे हैं, उनकी जिंदगियों में और जितने यहाँ बैठे हैं उनकी जिंदगियों में ये मुकाशफा खुदावंद खुल जाए कि तूने खुदावंद आदम और हवा को बनाया और उन्हें बरकत दी। है खुदावंद, कभी भी ये एक दूसरे से नाराज ना रहे, बल्कि खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हुए तेरी हजूरी में झुके, तेरी प्रस्तुति करें और अच्छा खानदान साबित हों। है खुदावंद, हदीये नजराने के लिए तेरे हजूर बरकत चाहता हूँ। जितने लोगों ने बंद मुठियाँ करके दी हैं, इन्हें अपना आसमान खोल के बरकत दे ताकि ये बीज इनका फलदार साबित हो और तेरे लोग बरकत पाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया। आज सब कदमों पर खड़े हो जाए, हम सब कदमों पर खड़े हो जाए। आपकी जोरदार तालियों में खुदा की अजीम खातिर पास्टर साहब और फादर साहब को दावत दे। यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम, आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। और आज के दिन के लिए आपको मुबारकबाद पेश करते हैं जो खुदावंद ने हम सब के लिए इनायत किया। आज बहुत खूबसूरत दिन है क्योंकि आज खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल साहब के और भाभी निदा की आज 15वीं वेडिंग एनिवर्सरी है। सो मैं ऐसे खुदा का खादम होने के नाते से अपनी सारी टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस खूबसूरत सारी डेकोरेशन के लिए भी अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सारी टीम का ऐसे पास इंचार्ज होने के नाते से सारी टीम के लिए जोरदार तालियां चाहिए। बहुत अच्छी डेकोरेशन की है कि आज सीनियर पास्टर फजल साहब और निका नूर फजल की वेडिंग एनिवर्सरी है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि 15 सालों के अंदर खुदावन ने उनको बहुत सारी बरकतों से नवाजा, 3 बेटियां बेटा अदा किया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बहुत सारी बरकतों से खुदावन ने उनको मामूर किया। यकीन चाहे कोई भी जोड़ा हो, जब वो खुदावन के साथ चलता है तो खुदावन अपनी बरकतों से उनको क्या करता है, मामूर करता है। और जितने भी आप फेसबुक के जरिए से देख रहे हैं, मैं आप सबको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। नाम बनाम आज मैं देख नहीं सका, तो तमाम बहन भाइयों को जितने भी आप बैरून मुल्कों से देख रहे हैं, जो आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप सबको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। आज मॉर्निंग सर्विस के अंदर आप वेडिंग एनिवर्सरी में हमारे साथ हैं और हम खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए भी दुआ करेंगे। तो आइए हम केक की तरफ चलेंगे, हम सारे खादम मिलकर केक काटेंगे। और इससे पहले कि केक काटे, मैं चाहूँगा कि दाऊद के साथ मिलकर हम गाएंगे, जिनको खुदा ने छोड़ा है कभी उनको छुड़ाना करना। एक वर्ष गाएंगे, उसके बाद हम केक काटेंगे और दुआ करेंगे। जिनको खुदा ने छोड़ा Oh, hey, say you,
सो इस वक्त मैं अपने प्यारे भाई पासना फजल साहब को और भाभी गीता को अपनी तरफ से, विनिश की तरफ से और इस वक्त इटर्नल लाइफ के तमाम खादमों की तरफ से 15वीं वेडिंग एनिवर्सरी के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पूरी कलीसिया इस वक्त चर्च में हमारे साथ मौजूद है और सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए, खुदा की खात्मा के लिए आइए हम मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा कुदस पाक, खुदा आज जब के 15वीं वेडिंग एनिवर्सरी या खुदा तेरे असीम खादम सीनियर पास्टर अनु फजल साहब के लिए, उनके मिसेस खुदा भाभी निदा के लिए, खुदा बेटे आयसन के लिए, एना के लिए, एमा के लिए, रैनी के लिए, खुदा सारी फैमिली के लिए तेरे खास वसा को चाहते हैं खुदा। और दे खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा गुजरे हुए 15 सालों के लिए खुदा, जो तूने अपने खादम को बहुत सारी बरकतों से मामूर किया, आयसन टीवी के जरिया से, इंटरनल लाइफ चर्च के जरिया से खुदा, इंटरनल लाइफ टीवी के जरिया से, हमारा पाकिस्तान टीवी के जरिया से, देव खुदा तूने दुनिया के अंदर जमीनी हर तरह से बरकत से मामूर किया खुदा। हम तेरे खादम के लिए, तेरी खादमा के लिए आज शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी हौसली में झुकते हैं और पूरी कलीसिया के साथ मिलकर खादमों के साथ और इस वक्त जितने भी पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं उनके साथ मिलकर खुदा वेडिंग एनिवर्सरी के मौका पर खुदा उनके लिए उम्र की दराजी, पीरी और सलामती को चाहते हैं खुदा और दुआ करते हैं खुदा कि हमेशा उनका साया हम सब पर गहरा ठहरा रहे खुदा। और हम देव खुदा तेरे कभी हाथ के नीचे और उनके साए के नीचे रहकर काम करते रहे वफादारी के साथ, हम पूरी कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआए खैर देते हैं, दुआए खैर करते हैं ताकि तेरा पाक रूह हमेशा उस जोड़े की जिंदगी के अंदर काम करता रहे, यीशु के नाम में आमीन। सो ये मिल करके कर देंगे
देती हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी सारी मोहब्बत के लिए जो कि आप सीनियर पास्टर फजल साहब से फैमिली से करते हैं। यकीनन जब हम खुदा के खादिमों से प्यार करते हैं तो हम बरकतों को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और खुदा का खादिम जो होता है वो खादिमा जो होती है और खादिम जो होता है वो कलीसिया का बाप और माँ होते हैं। और जब माँ बाप की बर्थडे होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वाकई आज खुशी का इजहार जो है वो तमाम बहन भाइयों ने अदा किया है। सो इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं चाहूँगा कि हम दुआ करें, आप सबके लिए बरकत चाहें, खुदा आपको बरकत दें। आइए बड़ी आसिफ के सारी फरोतनी के साथ अपने आप को खुदा उनके हौसली में झुका लीजिएगा। खुद बाप खुद बेटे खुद अलकुदस पाप खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा आज की सारी मॉर्निंग सर्विस के लिए खुदा देवदास सारी वर्षिप के लिए कलाम के लिए प्रसाइडर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा आज की सारी बरकत के लिए। आज जब के तेरे खादम सीनियर पास्टर फजल साहब की देवदास तेरी खादमा निता अनवर फजल साहबा की खुदा आज जब के वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इस तरह लव के लिए इस तरह प्यार के लिए कि तूने अपने खादम को खादमा को एक और नया साल दिया खुदा और जबकि पूरी दुनिया से विशेष दी जा रही है खुदा उनके लिए दुआएं की जा रही है खुदा तो मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा और इस वक्त अपने तमाम इन भाइयों के लिए खुदा इन बहनों के लिए खुदा बेटों के लिए बेटियों के लिए अगर जो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर है खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे खास मसा को चाहते हैं खुदा तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों के अंदर अंजलाली काम करे खुदा और ये तेरे नाम में फतह पाए इस वक्त जहां जहां पर खुदा तेरे बेटे और बेटियों ने खुदा अपनी बीमारी की जगह पे रखा है तो हम सारे खादम मिलकर खुदा पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं तेरे मसा को चाहते हैं ताकि तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों के अंदर अंजलाली काम करे खुदा और ये तेरे नाम में फतह पाए जिन्होंने अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखा पाक खुदा अगर से खुदा हम नहीं जानते कि इनकी क्या क्या दिल की मुरादे हैं इरादे हैं सोचे हैं ख्याल हैं मनसूबे हैं सो आज ही इनके लिए तेरा सुभान खुले इसी तरह खुदा आज की सारी एप्लीकेशन के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं अगर से जो कुछ भी इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के अंदर लिखा गया तो हम तेरे मस्सा को चाहते हैं तमाम बहन भाइयों ने अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखकर तेरी हाजिरी में पेश किया तो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और जितने भी फेसबुक के जरिए से यूट्यूब के जरिए से देख रहे हैं जो पाकिस्तान से है बैरून मुल्कों से है खुदा अपने तमाम इन बहन भाइयों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं अभी और इसी वक्त तो इनकी जिंदगियों के अंदर काम कर जिन जिन मुल्कों से खुदा ये तेरे प्यारे देख रहे हैं खुदा और जो भी रिक्वेस्ट को पेश किया खुदा हम तेरी खास बरकत चाहते हैं तेरे मस्सा को चाहते हैं ताकि देव खुदा तेरा पाक रूह जलाली काम करे खुदा और ये तेरे नाम में फतह पाए इसी तरह खुदा देव खुदा हम अपने प्रेयर सेंटर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा आयशर टीवी के लिए इंटरनल लाइव टीवी के लिए हमारा पाकिस्तान टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा इसी तरह खुदा मुल्क के पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान के इदारों के लिए तमाम चर्चेस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं और अपने खादिमों के लिए सारी टीम
के लिए जिन्होंने रात सबने मिलकर चर्च को डेकोरेट किया खुदा, सारे खादमों के लिए, पूरी टीम के लिए दुआ करता हूँ खुदा कि तू इनको बड़ी बरकत देना। मुन्ने भाई के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं जो हर रोज सोल ऑपरेट करते हैं खुदा, बेटे शिमाइल के लिए, आदम के लिए, इसहाक के लिए जो वीडियो बनाते हैं और पूरी दुनिया के लोग बरकत पाते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो पहले गली में इंतजामिया का सिक्योरिटी का भाई काम करते हैं उनके लिए बरकत चाहते हैं और आज की सारी देव खुदा सर्वस के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ईमान रखते हैं कि जो कुछ मांगा तूने आसमान को खोल कर इनायत किया, मसीह के नाम से आमीन। आइए दोनों हाथों को उठाएं, मिलकर बोलेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा हो, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मकसीन के साथ, बिलखसूस हाजिर जमात के तमाम खानदानों के साथ, और जितने भी फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से देख रहे हैं, और खास तौर पर सीनियर पास्टर फजल साहब और उनके मिसेस के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बा तक रहती रहे, आमीन। बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह में आप सबको सलाम सलामती के साथ जाइए, अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे। वही लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।